हजार का काम सिर्फ 2 रुपया में हो जाएगा। क्या हो भाई, एक सेल्फ के लिए 5 से 6 हज़ार रुपये आपको लगाना पड़ेगा एक सेल्फ सही करने के लिए। देखिए ये है BS6 बाइक और इसको BS4 बनाया गया है, लेकिन इसमें समस्या ये है भाई, एजेंसी वाले भी इसको चेक करिए, 4-5 मिस्त्री भी इसको मैकेनिक भी चेक कर लिए, लेकिन कह रहे इसको चेंज करना पड़ेगा। अब ये बात बताइए भाई, एक सेल्फ के लिए 5 से 6 हज़ार रुपये लगाना कोई उचित नहीं है, उतना बता हम अपने बाइक का पूरा सेल्फ ही बदलवा देंगे 5 से 6 हज़ार रुपये में। लेकिन यहाँ पर एजेंसी वाले भी ये कह रहे हैं कि ये खराब है, पार्ट मैकेनिक से चेक किए भी उनको भी कहना है ये खराब है। चलिए हम मान लीजिए ये खराब है, लेकिन हम इसको 5 से 6 हज़ार रुपये तक तरह से 5 से 6 हज़ार रुपये का नुकसान बच जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसका बैटरी का, देखिए बैटरी इसका चेंज हो रखा है, सेल्फ का कार्बन इसका डला रखा है, वायरिंग में सभी कुछ इसका चेक हो रखा है, लेकिन सेल्फ नहीं काम कर रहा है। आखिर वजह क्या है, यहाँ पे तो ये खराब हो ही गया, उसका मानते हम खराब हो गया, लेकिन ये कोई जरूरी है कि एक सेल्फ के लिए इसको चेंज किया जाए, ये भी सही हो सकता है, बिना इसको चेंज किए भी सेल्फ सही हो सकता है। अब इसका चाबी हम ऑन करेंगे और यहाँ पे सेल्फ दबा रहे हैं तो ये कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, मतलब कुछ भी काम कर रहे हैं इसको पूरा। यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे बारह लेके कर दिखा रहे हैं ताकि ये नचता है, जब सेल्फ आप दबते हैं तो ये नचता है, लेकिन यहाँ पे नहीं काम कर रहा है। और वहीं हम आपको इसको डायरेक्ट करके दिखाएं, तो यहाँ पे देखिएगा सेल्फ तुरंत इसका चलने लगेगा। यहाँ पे हम एक वायर डालें और यहाँ पे देखिएगा, देखिए अभी यहाँ पे सेल्फ दिखाओ पास से, देखिए अभी यहाँ पे सेल्फ का हो रहा है, यहाँ पे सेल्फ नच रहा है। तो हमको क्यों गर्ज है भाई इसको चेंज करने का, हम ऐसे ही बताएंगे आपको, एक से तरीका बताएंगे बाईपास करने का, बाईपास करके अपनी बाइक का सेल्फ सुधार लीजिएगा, और जिस तरीके से BS4 में काम करता सेल्फ उसी तरीके से इसमें भी काम करेगा। तो वीडियो को ना लेट करते हुए हम फटाफट बताते भाई, यूट्यूब पर पहली बार वीडियो आया तो काफ़ी लोगों को सर की जाएगा, क्योंकि भाई 5 से 6 हज़ार रुपये कोई मामूली बात नहीं है, 5 से 6 हज़ार रुपये एक बाइक के लिए कोई मामूली बात नहीं है, बहुत ज़्यादा अमाउंट है 5 से 6 हज़ार रुपये, क्योंकि यह 2 रुपये में सही होने वाला था। वीडियो ज़्यादा सर किए भाई के पास BS6 बाइक हो, उनके पास वीडियो पहुँच सके, उनको लग सके इस तरह की प्रॉब्लम से वो भी बच सके। देखिए बहुत भाई का इस तरह प्रॉब्लम हो चुका है और यहाँ पर बदलवा भी चुका है। तो मेरा देखिए, हम लोग कोई भी वीडियो डालते हैं, कोई भी कंटेंट डालते हैं, तो ये सोचते हैं कि हमारा ऑडियंस जो उनको कुछ ऐसा मिले जो वो अभी तक नहीं देखे हो। तो यूट्यूब पर पहली बार जा रहा है, वीडियो को ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा। अब चलिए एक वायरिंग के से कैसे सही होगा, कैसे पॉसिबल है कि नहीं, आपको हम लाइव प्रूफ पूरा करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस वायर के दिखाएंगे आपको, यहाँ पे जो काम करता है इसमें, देखिए ये वाला कलर को आप ध्यान से देख लीजिए किस कलर में ये वायर अभी है। यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा व्हाइट और थोड़ा रेड है, ठीक है सही है। अब यहीं पर हम इसको दिखाने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर वायर देखिए, ये वाला वायर देखिए, अभी हम इसको बाहर निकाल रहे हैं पूरा अच्छे तरीके से ताकि आपको दिख जाए कि ये वायर कहाँ पे रहता है और कैसे काम करता है। अब यहाँ पे जो पीला वायर दिख रहा है ये सेल्फ का है, अब ये सेल्फ का यहाँ पे काम कैसे करता है, इससे कैसे सेल्फ काम करता है मैं इसको दिखा रहा हूँ। उससे पहले यहाँ पे बाहर निकाल लेता हूँ इसको, ताकि आपको अच्छी तरीके से ये दिख सके और आप इसको सही कर सकते हैं, बिना चेंज किए भी सही कर सकते हैं। एक मैकेनिक भी हमारा भाई वीडियो देख रहे हैं, तो आप भी इसको सही कर सकते हैं, आपको चेंज करने का कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगा। और एक हमारा कस्टमर देख रहे हैं, तो आप इस तरीके से सही करा सकते हैं। अब ये वायर देखिए का है सेल्फ का है, सही है सेल्फ का है ये वायर। अब यही वायर हम इसको पास में दिखाएं, दो वायर यहीं पर सेल्फ का रहता है जो आपस में कनेक्टेड रहता है। अब देखिए अब ये वाला वायर आपको मिलेगा सिर्फ स्विच में, जो यहाँ पे आप प्रेस करके रखते हैं बटन को उस स्विच में मिलेगा। और ये वाला जो नीचे वाला वायर देख रहे हैं, ये वाला वायर देख रहे हैं थोड़ा वाइट और थोड़ा रेड है, यहाँ पर थोड़ा वाइट थोड़ा रेड है, यहाँ पर हमने पेचकस लगा के रखा है, देखिए थोड़ा वाइट थोड़ा रेड। अब देखिए ये दोनों सेल्फ का वायर है, अब इसको कैसे हम बाईपास करेंगे और कैसे बिना चेंज किए सेल्फ स्टार्ट होगा, मैं इसको करके दिखाता हूँ। तो चलिए सबसे आसान तरीके से बताते हैं आप कैसे इसको बाईपास करते हैं, और बाईपास करते ही आपकी बाइक का सेल्फ उठाने लगेगा। देखिए स्प्लेंडर और डिलक्स बाइक BS6 में ज़्यादा करके प्रॉब्लम आ रही है, तो बाईपास आपको किस तरीके से करना है, सबसे पहले देख लीजिए ये है हमारा स्विच का वायर, जो इसमें स्विच लगता है सेल्फ स्विच, उसका वायर है, मैं इसको दिखाता हूँ अभी। अब यहाँ पर देखिए ये है सेल्फ स्विच का वायर, यहाँ पर लगा हुआ है ये पीला कलर का सेल्फ स्विच का वायर, और यही देखिएगा आपको पीला और थोड़ा रेड मिलेगा सेल्फ स्विच का वायर। यहाँ पे दोनों कनेक्शन मिला लीजिएगा, आपको सेम होना चाहिए, देखिए ये वाला कनेक्शन है और यहाँ पे एक कनेक्शन है। अब ये काम कैसे करता है, जब भी आप सेल्फ दबिएगा तो यहाँ से सीधे कनेक्शन इसमें आएगा और इस कनेक्शन से पार करते हुए बाईपास करते हुए यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जब आ जाएगा तो यहाँ पे कनेक्शन आएगा, जब यहाँ पे आएगा तो आपकी बाइक का जो सेल्फ प्रॉब्लम आ रहा है उसको तुरंत सही कर देगा, मतलब सेल्फ उठाने लगी, जब बाइक में सेल्फ प्रॉब्लम नहीं रहेगा तो इस तरीके से उठाएगी। लेकिन अगर सेल्फ प्रॉब्लम आ जा रहा है, बाइक को सेल्फ नहीं ले रही है और ये आपको बोल रहा है कोई चेंज करने के लिए, तो आपको ये बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। आपको बनाना कैसे है मैं बता देना हूँ, सबसे पहले आपको ये दोनों वायर को पास में कर लेना है, थोड़ा इसको टेप फिराना है, अभी इसको टेप फिराते हैं। सबसे पहले टेप को हो जाओ, यहाँ पर टेप दिया, इसको खोल लेना है, यहाँ पर टेप खोल दे और अभी आपको दिखाते हैं इसको कैसे करना है, तुरंत ही हो जाएगा, आप कुछ भी चेंज करने का नहीं गड़ पड़ेगा, आप अपनी बाइक के या किसी भी बाइक का आप 4 से 5 हज़ार रुपये बचा सकते हैं एकदम आसान तरीके से। सबसे पहले यहाँ पे हम टेप खोलते हैं, अभी आपको वायर दिखाते हैं, दोनों वायर से देखिएगा तुरंत हम करेंगे, तुरंत बाइक स्टार्ट होने लगेगी। और यहाँ पे ना ही इसको वायर को निकालना है और ना ही इसको काट के अलग करना है, इसी में रहेगा और सेल्फ स्टार्ट लेने लगेगी। तो अभी हम यहाँ पे निकाल दिए, अभी यहाँ से देखिए हमारा हो गया पीला कलर का वायर और ये हो गया वाइट कलर का वायर,
यहाँ पे वाइट कलर का वायर, ये दोनों वायर हो गया। अभी हम क्या करेंगे, इसका जो ICU है, इसका CDI बोलता है, इसमें हम लगा देंगे कनेक्शन। अभी कनेक्शन इसमें आ गया। अभी हम क्या करेंगे, देखिए जब आप बाइक का सेल्फ लेते हैं तो ये वाला वायर में करंट आता है, ये वाला वायर में करंट आता है ECM में और ICU में करंट आएगा, या CDI बोल लीजिए, इसमें करंट आएगा तो ये पास करता है। जैसे कि हम कोई बैटरी का चार्ज करते हैं तो इन्वर्टर जोड़ते हैं या कुछ भी जोड़ते हैं तो बाईपास करके करंट देता है, उसी तरीके से है। जब हम चाबी ऑन करेंगे और सेल मारेंगे तो सीधे डायरेक्ट करंट आएगा इसमें और इसमें आएगा। जब इसमें आएगा तो इसको ट्रांसफर करेगा तो इसमें आएगा तो बाइक का जो सेल्फ है उठाने लगेगी। तो इसमें क्या हो रहा है, एक खराबी आ गया, इसमें सेल्फ का सिर्फ प्रॉब्लम है, बाकी कुछ भी प्रॉब्लम है, स्टार्टअप पूरा हो रही है बाइक लेकिन सेल्फ नहीं ले रही है। तो हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा ये सब ब्लेड से यहाँ पे चीर लगा देंगे, यहाँ पे और यहाँ पे चीर लगाएंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा चीर लगाएंगे, इसको पूरा तरीके से काट के नहीं निकालना है, इसी में रहने देना है, काटने का आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ पे दोनों में कट लगाएंगे और बाइक का सेल्फ अभी तुरंत ही उठाने लगेगा। अभी यहाँ पे कट लगा, तो चलिए यहाँ पे हमने एक वायर यहाँ पे छिल के रखा है और दूसरा वायर यहाँ पे छिल के रखा है, और बैटरी हमने जस्ट इसमें नया डाल दिया, वो बैटरी थोड़ा डिस्चार्ज था लेकिन नया डाल दिया कि ताकि फटाफट सेल्फ उठा सके और आपको पूरा क्लियरली दिख पाए, जो प्रॉब्लम था वो दिख पाए। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम एक वायर इसमें जोड़ देंगे। और देखिए कई बार इसमें होता है, हम इस तरह के प्रॉब्लम को कई बार फेस किए हैं लेकिन अभी तक इसको हम डाले नहीं है। कई बार ये होता है कि कभी कभी इसमें वायर जोड़ने पर सेल्फ डायरेक्ट हो जाता है, जब तक आप एक बार सेल्फ लगे तो डायरेक्ट कहीं काम करने लगा, तो उस कंडीशन में आपको एक वायर यहाँ से छोड़ा लेना है और इसमें जोड़ देना है। लेकिन इसमें उस तरीके से नहीं हो रहा, हम इसमें कट नहीं करेंगे इसी तरह से। लेकिन अगर आपके पास उस तरह प्रॉब्लम हो रहा है कि यहाँ पे वायर जोड़ दिया सेल्फ तो काम करने लगा लेकिन डायरेक्ट काम करने लगा, तो यहाँ से आप एक वायर यहाँ छोड़ा सकते हैं या यहाँ छोड़ा सकते हैं, कहीं से मतलब एक वायर यहाँ छोड़ा दीजिएगा तो आपका प्रॉब्लम चल जाएगा, जब सेल्फ दबिए तभी काम करेगा। अभी हम इसका सेल्फ दबते हैं, देखिएगा यहाँ पर डायरेक्ट करके रखें, बैटरी लगा दिए, यहाँ पर रिले उले सब पुराना, इसका हम कुछ भी नहीं चेंज किए। अब मानने वाली बात है भाई, यहाँ पे 6000 का काम सिर्फ 2 रुपये में हो रहा है, 6000 का काम सिर्फ 2 रुपये में हो जाएगा। यहाँ पे सबसे बड़ा सोचने वाली बात यही भाई, 6000 का खर्चा जो है 2 रुपये में सॉल्व हो रहा है, तो आपको समझना चाहिए। और जितने भी आपके भाई हैं, कस्टमर है या आप एक मैकेनिक है या कस्टमर, उनके पास सही करना चाहिए ताकि उनके पास जानकारी ये पहुँच सके। तो यहाँ क्या करेंगे, सेल्फ दबाएंगे, अभी देखिए डायरेक्ट है, दबाएंगे देखिए काम करने लगा, अभी सेल्फ दबाते फिर से हम, देखिए काम कर रहा है, देखिए पूरा तरीका से काम कर रहा है। अभी यहाँ पे देखने की कोशिश कीजिए, तो यहाँ पे कुछ भी हमने लगा कर नहीं रखा, यहाँ पे सिर्फ अभी इसको हम लगा देंगे, यहाँ से वायर छोड़ा देंगे और सेल्फ लेंगे तो सेल्फ एक भी नहीं काम करेगा। अभी तरीका होता है बाईपास करने का, इस तरीके से आप करके BS6 का किसी बाइक का वायर मिला के यहाँ पे ICU में वायर लगा रहता है, वायर को डायरेक्ट कर सकते हैं। और ये नहीं है कि डायरेक्ट कर दिए तो कुछ प्रॉब्लम है, कोई भी फॉल्ट नहीं आएगा, सिर्फ ये क्या करेगा, ICU से इसका कनेक्शन हटाएगा और बैटरी और सिर्फ रिले का कनेक्शन इसमें आ जाएगा, जिससे वजह से आपकी बाइक स्टार्ट होने लगेगी। अब यहाँ पे देखिए पूरा क्लियरली इसका सेल्फ ले रहा है, पूरा यहाँ पे क्लियरली हम इसको दबते हैं, देखिए पूरा क्लियरली इस पर सेल्फ ले रहा है। यहाँ पे हम इसको लगाएंगे तो अभी फटाफट बाइक स्टार्ट होने लगी। अब देखिए भाई कितना बड़ा प्रॉब्लम जो है, छोटी से वायर की वजह से सही हो गया, कितना बड़ा प्रॉब्लम इसमें, छोटी सी वायर हमने डाला और इसका प्रॉब्लम सही हो गया। तो इस तरीके से भाई आप कर सकते हैं। अब वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए अब इसको हम फटाफट करते हैं, तो उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा।